दोस्तों मैं हूं जीशान आरिप और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार सरकार डिप्लोमेंट मिशन के तहत जो कौशल युवा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बिहार के हर जगह पे ये चलाया जा रहा है, जो कि कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री में, और उसमें आपको भत्ता भी दिया जा रहा है, मतलब 1000 रुपये आपको मंथली भी दिया जाता है। 24 महीना तक आपको 1000 रुपये मंथली दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, और उसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाया भी जाता है, उसके बारे में जानकारी भी दी जाती है। और ये इस वीडियो में मैं आपको बताने की को जा रहा हूँ कि अगर आपने उस कोर्स कर लिया है तो अपना सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपने इसमें कौशल युवा प्रोग्राम में आपको एडमिशन लिया होगा, उसमें आपने 3 महीना का पढ़ाई भी किया होगा, 3 महीना का कोर्स भी किया होगा, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया होगा, पास या फेल। तो रिजल्ट आने के बाद आपको सर्टिफिकेट सेंटर से भी मिल जाएगा जहाँ से आपने किया होगा, और आप ऑनलाइन भी अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन किस तरह डाउनलोड करते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश की। उससे पहले मैं आप से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे मैंने आपके लिए आपको बताया कि फ्री में SBI AAPS, फ्री में SBI का AAPS कैसे ले, जिसमें आपको फ्री में मार्फू डिवाइस मिलेगा और खुद से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 2 मिनट में आपका AAPS स्टार्ट हो जाएगा, आप 2 मिनट में अपने दुकान को आप बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ मैंने बताया बिहार DLED किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना दिया हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको बीच में मनोरंजन के लिए भी कुश्ती भी दे दिया हूँ, आपको देख लीजिएगा, मनोरंजन भी कर लीजिए, क्योंकि हर आदमी के जीवन में मनोरंजन भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गूगल में आ जाना, गूगल में सर्च कर लेना है सर्किल मिशन बिहार .org, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल में सर्किल मिशन बिहार .org, तो इस वेबसाइट पे आप बड़ी ही आसानी से चले आएंगे, और डिस्कशन के लिंक को भी फॉलो करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से चले आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो का मेरा वीडियो का विषय जो है वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुशल युवा यहाँ पर आपको मेन्यू मिला है, यहाँ मेन्यू आपको देख रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम, ये देख रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कुशल युवा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ से KYC सेंटर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे न्यू टैब आपको ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पर कह रहा है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर देने को, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर आपसे यहाँ पे मांग रहा है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर दे दीजिए, लर्निंग कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड में ऊपर में दिया होगा लर्नर कोड, यहाँ पर दिखाया गया है लर्नर कोड, ठीक है, उस लर्नर कोड को आपको याद, उसके बाद KYP सेंटर, जो भी आपका KYP सेंटर, वो सेंटर कोड इसमें देना होगा, सेंटर कोड आपको सर्टिफिकेट पे भी मिल जाएगा। जैसा कि ये देखिए एक सर्टिफिकेट है, अगर आपने को पहले कभी सर्टिफिकेट मिल गया है तब भी आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी मेरे पास है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी हम सेंटर कोड निकालना आपको बताएंगे। तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर में यहाँ पर देखिए KYP और 03 इस टाइप का एक KYP सेंटर का कोड, सेंटर कोड रहता है, ठीक है। इस सेंटर कोड आप अपने जहाँ पढ़ाई के उससे भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर सर्टिफिकेट मिला होगा सेंटर के द्वारा तो उसमें भी लिखा होगा। अगर नहीं मिला है सर्टिफिकेट या आपको पता नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसके बारे में, मतलब KYP सेंटर का कोड निकाल सकते हैं। तो देखिए KYP सेंटर कोड ऑनलाइन निकालने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, ये लिंक आपको मिल जाएगा। KYP सेंटर का कोड निकालने के लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आ जाएंगे,
और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे आप आ जाएंगे। यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना करना पड़े केवाईसी कोड ऑनलाइन निकालने के लिए। और लर्नर कोड जो आपको आईडी कार्ड मिला होगा गला में टांगने वाला उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लर्नर कोड आईडी कार्ड से ले लीजिए, केवाईसी सेंटर कोड ऑनलाइन निकाल लीजिए। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने को मिलेगा, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आ जाएंगे। देखिए इस तरह के नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्टिफाइड है, ठीक है, सर्टिफाइड। और यहाँ पे एक देखिए थ्री लाइन है ये वाले, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारा डिस्ट्रिक्ट चलेगा, वो सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। जिस सेंटर से आपने कोर्स किया वो सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वो सेंटर किस प्रखंड में, वो आपको उस प्रखंड पे क्लिक करेंगे। उस प्रखंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उस प्रखंड में जितना भी केवाईसी सेंटर होगा सभी का सीरियली नंबर दिया रहेगा, और उस सेंटर का कोड जो वो कोड आपको यहाँ पे केवाईसी इस टाइप का मिल जाएगा, और उस सेंटर का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ भी कितना एडमिशन वगैरह वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको अदर डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप केवाईसी सेंटर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में लर्नर कोड आप आईडी कार्ड से और केवाईसी सेंटर कोड जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों डिटेल को इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्का लगवा देना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टिक मार्का लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह सिंपेज आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लर्निंग कोड आपका रहेगा और यहाँ प्लीज सेलेक्ट कोर्स एंड सर्टिफिकेट इन बिलो। यहाँ पे आपको कोर्स, क्योंकि आपने इसमें तीनों कोर्स किया होगा BSCIT, BSCSS और ये तीनों कोर्स किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें ये तीन सर्टिफिकेट आपको CIT अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, CSS अलग सर्टिफिकेट मिलेगा और CSS अलग मिलेगा, ठीक है। CSS अलग मिलेगा, CSS ये जो है अलग मिलेगा, यानी तीनों सर्टिफिकेट आपको अलग अलग मिलेगा। और ऊपर में KYP कोर्स जो है यहाँ से आपको तीनों सर्टिफिकेट एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। तो चार सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना, चार सर्टिफिकेट, ठीक है। मेन जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाले केवाईपी कोर्स के अंदर जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सभी कोर्स का अलग अलग सर्टिफिकेट दिया गया है, CIT कोर्स का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस कोर्स का चाहिए उस पर क्लिक करना है, CSS का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, CSS का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे ऊपर वाला जो मेन होता है सर्टिफिकेट उस पर क्लिक, वो आपको डाउनलोड करना है, जो आपको इस टाइप का दिखने को मिलेगा, जो कि आपको सेंटर से भी मिल गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको करना कुछ सिंपली KYP कोर्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह सेंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। मैंने जो जानकारी थी उसको हाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको आपका नेम मिलेगा, फुल नेम, आपका लर्नर कोड जो आपने डाला था, आप किस सेंटर किए हैं कोर्स उस सेंटर का नाम रहेगा, सेंटर का कोड आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कौशल युवा प्रोग्राम लिखा रहेगा, और यहाँ पे एक रिजल्ट स्टेटस में रिजल्ट पास है, बेच रहेगा किस बेच में आपने किया है, और एग्जाम का डेट जिस एग्जाम में आपने एडमिशन लिया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है, सर्टिफिकेट में आएंगे, यहाँ पे एक देख लीजिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिला है, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक PDF डाउनलोड हो चुका है जो कि सर्टिफिकेट का, मैं इस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है, मैंने इसमें कुछ जानकारी को हाइड कर दी है, ठीक है। तो इस तरह का आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ये तो डाउनलोड आपके मोबाइल सिस्टम में हो चुका है, ठीक है। ये आप प्रीव्यू करके मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये तो सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट में आपको तीनों मिल जाते, इस सर्टिफिकेट में आपको CIT, CSS, CSS सभी मिल जाता है तीन एक ही में, ठीक है। और मैं अलग अलग डाउनलोड करने भी आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आपका जो मेन सर्टिफिकेट होगा KYP कोर्स में जाएंगे वहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट छोड़ेगा, वो आपका मेन सर्टिफिकेट होगा, वो आपका मेन सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BSCIT या किसी भी कोर्स का अलग अलग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो जिस कोर्स का अलग सर्टिफिकेट लेना है उस कोर्स पे आपको क्लिक करना होगा।
जिस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इस कोर्स में आपको कितना मार्क आया वो आपको यहाँ पे परसेंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, इसका इस सर्टिफिकेट का भी डाउनलोड पीडीएफ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इस तरह आप सभी का अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे हमारा आज का इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपको सजेशन करूंगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है और यहाँ पे आपकी काम की ही वीडियो आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई रुपया नहीं लगता है, फिर सपोर्ट कीजिए ताकि आपको नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने ही इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ पे मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर या ऑनलाइन सेक्टर, ऑफलाइन सेक्टर, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब, मनोरंजन, सभी टाइप की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, और मैं हर वीडियो में आपको विस्तार से शुरू से अंत तक बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी सर्टिफिकेट के लिए कहीं भटकना ना पड़े, वो ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके और कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, और नई वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप किस टॉपिक की वीडियो को सर्च कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।